गया है और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक इस वक्त चलती हुई। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी है। राज्यसभा सांसद संजय झा इस बैठक में है। संजय गांधी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, रालोजन प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, लोजपा रामविलास की पार्टी की तरफ से राजू तिवारी इस बैठक में शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए विवा, एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम घटक दल के जो भी बड़े नेता हैं, इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि चार सीट पे जो उपचुनाव होने वाला है, बीजेपी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, जेडीयू की तरफ से भी तस्वीर साफ हो गई है। एक जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उसके तरफ से, उस पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आज किन किन नामों पे मोहर लगेगी, उसकी औपचारिकता जो है वो भी पूरी कर ली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चार सीट के उपचुनाव को सिर्फ चार सीट का उपचुनाव नहीं समझा जा रहा है एनडीए की तरफ से, इसे बिहार की सियासत के लिए आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए एनडीए की पूरी कोशिश है कि ऐसी रणनीति बनाई जाए और एक एकता का मैसेज दिया जाए, ताकि उपचुनाव में पूरी एकजुटता से एनडीए लड़े और चारों सीट पर कब्जा करे। क्योंकि एक सीट इमामगंज पर ऑलरेडी जीतन राम मांझी विधायक थे, तो वो सिटिंग सीट एनडीए की है, लेकिन बाकी जो तीन सीट है वो तरारी, इमामगंज और बेलागंज, उन सीटों पर एनडीए कोशिश रहे कि वो सीट भी जीत कर अपने पाले में लाए, ताकि आने वाले साल में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसके पहले एक अच्छे मूड पे जाए और मतदाता, अपने जो मतदाता है उनमें उत्साह भरे। तो जाहिर सी बात, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर निर्णय होगा कि किन किन को चुनाव प्रचार में लगाना है, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, कैसे किन नेता को चुनाव प्रचार में कहां लगाया जाएगा, किसे कहां का प्रभार दिया जाएगा। ये तमाम बातें आज इस बैठक में तय कर ली जाएगी। और इस बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पहली बार है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले कि एनडीए में एक पूरी तरीके से एकजुटता है और चार सीट को लेकर एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो ये एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है, और तीन सीटें जो इनके पास नहीं है उन सीटों को अपने पाले लाने को लेकर रणनीति सम्मिलित तौर पर बनाने की कवायद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज, तमाम जानकारी के। और चलिए अब देखते